नमस्कार दोस्तों, जो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर सजाती हैं और सिंदूर सजाने के बाद वे बताती हैं कि वह सिंदूर इसलिए लगाती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र बनी रहे, तो इसलिए यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत होती रहे तो सिंदूर के हैं कुछ उपाय। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो वह आपके घर में बरकत लेकर आते हैं। यदि आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन तो आप तिल के तेल के साथ सिंदूर अर्पित कीजिए और उसके बाद गुड़ सभी में वितरित कीजिए, उससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यदि आपके घर में परेशानी रहती है, परेशानी आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए सिंदूर सबसे खास उपाय है। आप एक पान का पत्ता लीजिए और उसके ऊपर सिंदूर रख दीजिए और सिंदूर को आप अपने किसी भी दिन बुधवार या फिर शनिवार को जो भी दिन आपको संभव लगे उस दिन सुबह और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से सारी समस्याएं जो आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं वह जल्दी ही चली जाएंगी। हो सके तो यह कार्य आपको 21 दिन तक करना होगा। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में बना हुआ है, दक्षिण दिशा में बनने के बाद आपके घर में वास्तु का दोष है, तो यदि आप वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय है, आप तेल लीजिए और तेल आप कोई सा भी तेल मिक्स ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिंदूर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद उसे अपने दरवाजे पर लगा दीजिए। वह शुभ भी माना जाता है और कहा जाता है यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी खुश होती है और उसके साथ आपके घर में समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यदि आपको आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी की वजह से आपके घर में हमेशा तनाव रहता है और आपके परिवार के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर आपके परिवार के साथ आपकी बनती नहीं है, यानी कि आपके धन में लाभ चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक नारियल लीजिए, उस पर सिंदूर लगाइए और सिंदूर लगाने के बाद आप उसकी पूजा करने के बाद किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी समस्याएं हैं या फिर आर्थिक तंगी है वह सभी दूर हो जाती हैं। यदि आपके ऊपर मंगल या सूर्य की महादशा चल रही है और आप चाहते हैं उस महादशा को दूर करना, तो उसके लिए सिंदूर सबसे अच्छा उपाय है। आप सिंदूर लीजिए और सिंदूर को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रखें इसे अपने ऊपर से बार कर प्रवाहित करें। ये है वह उपाय, यदि आप करते हैं तो आपके घर से सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, चाहे वह महादशा हो या फिर आपके घर की आर्थिक तंगी की वजह से कोई भी परेशानी हो। आप ये उपाय जरूर अपनाएं और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।